नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, सैर सपाटे की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कश्मीर जाना हम हर कोई चाहता है, और कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हो तो कश्मीर में कैसे घूमें, कितनी जगहों पर जाएं, और कितने दिन का आपका कश्मीर जाने का प्लान होना चाहिए। दोस्तों, कश्मीर मतलब कश्मीर बहुत बड़ा है। कश्मीर में एक रूट होता है, जैसे कि श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, इन इन जगहों पर घूमा जाता है। तो वीडियो के अगले हिस्से में मैं बताऊँगा क्या पैकेज होता है अगर कश्मीर जाते हैं, तो कितने दिन आपके पास सफिशेंट होने चाहिए, और किन किन जगह पे वहाँ पे घुमा जाता है, और क्या क्या उसमें शामिल होता है। कोई भी आप पैकेज लेंगे तो इसी तरीका का मिलता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कश्मीर पहुँचा कैसे जाए। देखिए दोस्तों, कश्मीर में मतलब है यानी श्रीनगर और जम्मू। कश्मीर जो श्रीनगर है, श्रीनगर ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, तो अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट श्रीनगर जा सकते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट यानी देश के सारे बड़े मेट्रो सिटीज से श्रीनगर के लिए आपको फ़्लाइट मिल जाएगी, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर वगैरह से। तो फ्लाइट से तो सीधे पहुंच जाएंगे 1 घंटे में। उसके बाद श्रीनगर पहुंचे, फिर आसपास की जगहें आप घूमेंगे। और ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो आपको जम्मू रेलवे स्टेशन जो लास्ट है वहां तक आप जाएंगे। उससे आगे आपको या तो बस से या टैक्सी से जर्नी करनी पड़ेगी, 300 किलोमीटर की, 10 घंटे का। जम्मू से श्रीनगर बाय बस या बाई टैक्सी ही आप करेंगे। तो जो कश्मीर का पूरा पैकेज होता है, ये 5 दिन का पैकेज होता है, जिसमें आप घूमते हैं श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, और वापस आप एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। इसमें होटल में रुकना, साइट सीइंग, ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह सब एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड करा। आप भले ही हमसे भी कॉल करके ये सब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या किसी और से भी करेंगे तो इसी ढंग का आपको ये पैकेज मिलता है। तो कहने का मतलब ये, कश्मीर जाने के लिए कम से कम आपके पास 5 दिन सिर्फ कश्मीर में घूमने के लिए चाहिए, बाकी आपके ट्रैवल के यानी जम्मू तक आए तो जम्मू तक, एयरपोर्ट का वो आपका रहता है। तो आइए आप जानते हैं कैसे ये पैकेज चलता है। तो जो पहला दिन होता है, पहला दिन आप या तो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जैसा मैंने बताया कि एयरपोर्ट से ही आपका पिकअप हो जाएगा, कश्मीर एयरपोर्ट से ही आपका पिकअप हो जाएगा, जिसमें गाड़ी आपको पिकअप करके होटल ले जाएगी, होटल में ब्रेकफास्ट होगा। अगर आप श्रीनगर जम्मू पहुंच रहे हैं तो जम्मू से ही टैक्सी आपको लेके श्रीनगर पहुंचेगी। दूसरे दिन सुबह सुबह श्रीनगर पहुंचेगी, सुबह चलेंगे तो आपको ही पहुंचेगी। तो जो पहला दिन आपका कश्मीर का टूर शुरू होता है, उसमें हम जो श्रीनगर का लोकल साइट सीइंग होता है, इसमें जो श्रीनगर जो कि अपनी खूबसूरती, चिनार के पेड़ और खूबसूरत बागों के लिए फेमस है, निशात गार्डन हो गया, शालीमार गार्डन, चश्मा शाही, ये सब हम घूमेंगे सुबह सुबह जब श्रीनगर में लोकल साइट से। ये सब गार्डन बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी से मेंटेन है, ये मुगल टाइम के बने हुए ये सब गार्डन हैं, और हर गार्डन का अपना अपना एक फव्वारा है, और कुछ ना कुछ खूबसूरती वहाँ पर है। जो दूसरा दिन होता है श्रीनगर में, कश्मीर में, श्रीनगर में आपको ले जाया जाता है श्रीनगर से सोनमर्ग, और वापस फिर श्रीनगर आ जाता है। सोनमर्ग बहुत ही खूबसूरत बर्फ़ के अपने स्लोप के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे स्कीइंग के रिजॉर्ट हैं, और काफ़ी बर्फ़ गिरती है, यानी अगर आप अप्रैल तक भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको मार्च के आखिरी तक भी आपको बर्फ़ वहाँ पे मिलेगी। तो जो रास्ता होता है श्रीनगर से सोनमर्ग का, वो बहुत खूबसूरत होता है, चिनार के पेड़, पहाड़ों के बीच से नदियाँ, नाले, ये सब दिखते हुए आप श्रीनगर से सोनमर्ग जाएंगे। तो ये पूरा दिन आपका उसमें लग जाता है, यानी श्रीनगर, सोनमर्ग, श्रीनगर, श्रीनगर घूमेंगे। श्रीनगर में जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो आपको दिखते हुए चलेंगे रास्ते में। दूसरा, वहाँ पर स्कीइंग आप कर सकते हैं, और ताजीवास एक ग्लेशियर है। अगर आप अप्रैल में जा रहे हैं, बर्फ़ देखना है, अप्रैल मई में जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा और ग्लेशियर तक आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा दिन आपका हो जाता है। इसमें आप डिनर करने वापस श्रीनगर ही आ जाएंगे, क्योंकि सोनमर्ग में बहुत ज़्यादा होटल्स नहीं हैं, होटल्स की वहाँ पे कमी, तो वापस आप सोनमर्ग आ जा श्रीनगर आ जाए। दूसरा दिन इस तरीके से ही हो जाए। जो तीसरा दिन होता है गुलमर्ग, गुलमर्ग भी अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। तो बहुत सारी पिक्चरों में, अपने पुरानी और नई बॉलीवुड की पिक्चरों में ये सीन देखे होंगे गुलमर्ग के, और स्कीइंग करने के। गुलमर्ग में बहुत ही खूबसूरत स्कीइंग एक रिजॉर्ट है, और
दुनिया भर में गुलमर्ग की जो स्कीइंग है वो फेमस है, और गुलमर्ग में केविल कार है, यानी आप ट्रॉली में बैठ के अलग अलग लेवल तक जाते हैं। बहुत ही नज़दीक से आप पहाड़ों को देखेंगे, मतलब बर्फ़ के पहाड़ हिमालय इतने नज़दीक आपके दिखाई देंगे, वो अनुभव बहुत ही उम्दा रहता है। तो स्कीइंग करना और ट्रॉली में बैठना, ये आप गुलमर्ग में करेंगे। तो गुलमर्ग में आपका दूसरा दिन तीसरा दिन लग जाएगा, और शाम को वापस फिर श्रीनगर होटल में ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से ही आपका तीसरा दिन हो जाता है। चौथा दिन होता है पहलगाम, यानी श्रीनगर से पहलगाम जाएंगे और पहलगाम ही होटल में रुकेंगे। पहलगाम भी बहुत खूबसूरत है। आपने अभी बहुत सारी बॉलीवुड की पिक्चरों में भी पहलगाम को देखा होगा। पहलगाम में इतनी बर्फ़ आपको नहीं मिलेगी, और पहलगाम बहुत सीनरी गई, यानी आपको घास के मैदान दिखाई देंगे, नदियाँ और बेताब वैली जिसको कहा जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत है, वो आप देखेंगे। और आरू वैली है, बहुत वो देखेंगे आप। आपने बहुत सारे पहाड़ के बीच में छोटे छोटे घर जो देखे होंगे, ये सब पहलगाम में ही हैं। और जो केसर की खेती होती है, दूर दूर तक फैले केसर के जो खेत होते हैं, ये सब आप पहलगाम में देखेंगे। और नदियाँ, पानी, ये इसकी तो कोई वहाँ पे कमी है नहीं, तो ये सब भी आप देखेंगे। तो चौथा दिन पहलगाम में ही रुकेंगे, और चौथे दिन की जो खूबसूरत शाम होती है, ये पहलगाम में ही आप इंजॉय करेंगे, और डिनर वगैरह पहलगाम में ही होता है। यानी चौथा दिन आपका श्रीनगर से गए पहलगाम, और पहलगाम में ही रुकेंगे। रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, श्रीनगर पहलगाम का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है। चिनार के दिखते हुए पेड़ आपको मिलेंगे, नदियाँ, नाले, ये सब मिलेंगे। तो चौथा दिन इस तरीके से ये होगा। जो पांचवा दिन होता है, तो उसमें फिर आप आ जाते हैं पहलगाम से श्रीनगर वापस आ जाते हैं। तो श्रीनगर में पांचवा दिन आपका हाउस बोट में बीतता है। तो ये आप भले ही एक्सचेंज कर सकते हैं, आप पहले दिन हाउस बोट में भी रह सकते हैं और पांचवे दिन होटल में भी रह सकते हैं, ये सब आप पे। तो हाउस बोट पर रुकना भी एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहता है। झील के किनारे हाउस बोट रहती है, ये बहुत ही लग्जरी हाउस बोट रहती है। इसी में आपका खाना, शाम को रुकना, और आप चाहें तो डल झील में एक मार्केट लगती है, वहाँ से कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, उसमें बोटिंग करना, ये सब इस पर रहता है। तो पांचवा दिन आपका श्रीनगर में ही आपका लग जाता है। तो इस तरीके से ये पूरे 5 दिन श्रीनगर आपको घूमने हैं, तो ये आपके लग जाते हैं। इन 5 दिनों में आप श्रीनगर यानी कश्मीर के 5 शहर ये सब आप घूम सकते हैं। तो ये मान के चलिए कश्मीर अगर आपको घूमना है, जिसमें आपको जो है श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, ये सब जगहें घूमने, तो 5 दिन आपको कम से कम चाहिए ट्रैवल के अलावा। हेलो अगर आप जम्मू से मान लें, तो जम्मू से आपको 7 दिन मान के चलिए, क्योंकि एक दिन आपको श्रीनगर जम्मू से पहुंचने में और एक दिन जम्मू से श्रीनगर वापस जाने में लगेगा। आप चाहें तो आपके पास कम अज कम समय है, तो इसमें से एक आध जगह कम कर सकते हैं, तो इस टूर को 3 दिन में भी कर सकते हैं। तो सब आपके बजट और आपके समय पर निर्भर है। तो इस तरीके से ये पैकेज होता है। आप किसी भी टूर एजेंसी से लेंगे तो यही पैकेज मिलेगा आपको। आप चाहें तो हमें भी कॉल कर सकते हैं इन दिए हुए नंबरों पर, और कश्मीर घूमने का आनंद ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, तो हमें बताएं, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें।